दरवेश इन्फो में आपका हार्दिक स्वागत है। जीवन की सच्चाई हम रोज अपने आप से महसूस करते हैं या जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस लोगों के आसपास रहते हैं, उनसे भी हमको हर समय सुनने, देखने व समझने का मौका मिलता है। कुछ छोटी छोटी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये वीडियो पूरी ध्यान से सुने और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भेजें। धन्यवाद। अब इसकी इम्पोर्टेंस बातें बताते हैं। चाणक्य ने भी बताया है कि सबसे बड़ी जहर कुछ जहर नहीं होती, जहर तो बहुत छोटी क्वांटिटी में लेने से भी जहर का असर हो जाता है। किसी जहर से लोग बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं, मगर किसी भी चीज का ज्यादा होना भी जहर है। कई बार हम देखते हैं कि गंदगी है, उस कचरे को हम गंदगी नजर से देखते हैं। अगर हम उसको देखें जो गंदगी में कचरा चुनने वालों को उसमें रोटी नजर आती है, तो कोई भी चीज ऐसी खराब नहीं है। हम बीमार होते हैं मगर अपने खान पान से नहीं, हम बीमार होते हैं अपने अंदर गलत विचार लाने से जिनसे उम्मीद नहीं होती। अक्सर वही लोग बुरे वक्त पर काम आते हैं। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो कुछ बातें बड़ी इम्पोर्टेंट अपने जिंदगी का अनुभव बताते हैं। जैसे कहते हैं कि गरीब आदमी की, जो गरीब है उसको दुखी मत करो, उसकी हाय मत लो। और जो दो गुने व्यक्ति हैं तो इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं, उनसे कभी राय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो बात कहेंगे अपने मतलब से शादी हुई या चमचेबाजी की बातों को प्रयोग में लाएंगे। ईश्वर को परेशान देखकर अगर आपको तकलीफ होती है, किसी को परेशान देखकर अगर आपको तकलीफ होती है, तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सके। इसलिए जो कुछ मिला है उसका शुक्राना करें और उसी में बार बार शुक्राना करने से हमारे को मन को शांति मिलती है। कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उसको नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाते हैं, कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं। इस दिखावे की दुनिया से बाहर निकलो और अपनी सही सच्चाई को जानें, तभी हम अपने खुशियों के पल बिताने में खुश हो सकेंगे। खुश रहने के लिए किसी की बुराइयों को मत ढूंढो, बट अपनी अच्छाइयों को चलाओ और अपनी बुराइयों को रोक धाम करके आगे बढ़ते जाओ। प्रेम से सबसे रहो, सच्चाई में रहो और प्रभु मालिक ईश्वर गुरु महाराज जिसको भी आप मानते हैं उनका हर पल हर समय शुक्राना करें। यही हमारी जिंदगी में खुश रहने का असली निचोड़ है। धन्यवाद।